बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू ऑल आर वेल। आज हम बनाने जा रहे हैं क्राउन टिक्का पिज्जा विद माय अमेजिंग रेस्टोरेंट सीक्रेट। आज से पहले किसी ने भी डिटेल के साथ क्राउन टिक्का पिज्जा बनाना नहीं सिखाया होगा। आज बताई जाएगी रियल यानी असली पिज्जा डो स्पॉन्जी रेसिपी और रियल पिज्जा सॉस रेसिपी विद टिक्का रेसिपी इन वन वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू टेल यू दैट ये वीडियो मैंने क्यूँ लगाई है। कुछ दिनों पहले हम रेस्टोरेंट गए और वहाँ का हमने टिक्का पिज्जा ऑर्डर किया। सीरियसली आई एम लिटरली stuck and my mood is off. That look was so pretty but seriously bilkul bhi maze ka nahi tha, bilkul bhi nahi. So I was realized that mujhe ehsaas hua ki main itna acha pizza banati hu, kyun na main real tikka pizza video YouTube pe share karu. Ab hum jaldi jaldi recipe share karte hain aapke sath. First aapne yeast leni hai yani khameer, usme pani dal lena hai. Yahan par pani aapne sirf aur sirf half glass lena hai aur khameer ko acche se mix karna hai. Sunay baazuni जी, ये कौन सी अच्छी लग रही है बताएं, ये वाली या ये ज्यादा अच्छा है। शोहर के प्राइस साथ साथ अदा हो रहे हैं, सब मुझसे पूछ रहे हैं ड्रेसिंग के बारे में कि कौन सा ड्रेस ज़्यादा प्यारा लग रहा है। एक और बात, अगर आप हमारे एडवेंचरस लाइफ में शामिल होना चाहते हैं तो इंस्टा को जरूर फॉलो करें। नाउ अब मैं रिवील करने जा रही हूँ स्पॉन्जी पिज्जा डो की सीक्रेट रेसिपी। गौर से देखना सर। बड़े से बाउल में यीस्ट ऐड करने के बाद हम ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। आपको पता है ये फर्स्ट पिज्जा डो का सीक्रेट जो मैंने आपको बता दिया है, इससे आपकी डो सख्त नहीं होगी, बहुत नरम और मुलायम बनेगी और नमक ऐड करने से आपकी डो में बहुत ज्यादा जायका होगा। जी हाँ, अक्सर हम जब पिज़्ज़ा खाते हैं और पिज़्ज़ा डो के किनारे छोड़ देते हैं बेजायका होने की वजह से, मेरी रेसिपी ट्राई करने के बाद आप पूरा का पूरा पिज़्ज़ा क्या प्लेट भी चट कर जाएंगे। यीस्ट पेस्ट में 2 कप मैदा ऐड करेंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं हमने इसका पेस्ट बनाना और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करना, बिल्कुल मीडियम टेक्स्चर होना चाहिए, लाइक आपके हाथों को थोड़ा थोड़ा चिपके। थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएं साथ साथ। माय डो इज़ रेडी, अब इसको कवर कर देंगे। डो बनाने के बाद आप घबरा जाएंगे, सोचेंगे कि अब हम इसको प्लेट पर कैसे फैलाएं, बहुत ज्यादा हाथों पे चिपक रहा है, तो उसका भी सलूशन है, उसका तरीका भी मैं अभी बताने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। अब बारी है जी टिक्का रेसिपी की। टिक्का के लिए हम 1/2 kg चिकन ले लेंगे, चिकन के छोटे छोटे क्यूब्स कर लेंगे। क्राउन टिक्का पिज्जा का एक और सीक्रेट बताने वाली हूँ मैं, वो ये कि चिकन टिक्का बनाते हुए 15 से 20 टिक्का के बड़े साइजेस काट लेंगे। ये मैं क्यों कह रही हूँ, कुछ इंटेलिजेंट लोगों को तो पता भी चल गया होगा है ना। टिक्का में हमने सॉल्ट ऐड करना है एज इट इज, 1 टेबल स्पून रेड चिली ऐड करनी है और 2 लेमन ऐड कर देने। इन लेमन का मैंने इतनी मुश्किल से शोरबा निकाला कि मैं बता नहीं सकती आपको, क्योंकि उन दिनों पाकिस्तान में लेमन की बहुत ही ज्यादा किल्लत थी, सूखे हुए चूसे हुए लेमन लोग बेच रहे थे। एनीवेज हम यहाँ पे 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर देंगे और हमारा टिक्का माशाल्लाह तैयार हो चुका है। Now it's time to cook some pizza sauce. 5 टमाटर लेके इनका पेस्ट बनाना है। दरफर मिर्ची ऐड करें, काला जीरा पाउडर ऐड करें, इसके बाद आपने सूखा धनिया पाउडर ऐड करना है, देन काली मिर्चें और ओरिगेनो लीव्स ऐड कर देने हैं, ये सब आपने 1 टीस्पून ऐड कर देना है। हाँ जी, यहाँ पे हम 3 टेबल स्पून ऑयल लेंगे और इसमें 1/2 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट ऐड करेंगे और इसको सौते करना है हमने अच्छे से। देन हमने ये टमाटो पेस्ट ऐड कर देना है। टमाटो पेस्ट ड्राई होने लग जाएगा आफ्टर 10 मिनट्स। गौर से देख लें जी सब, इस तरह ड्राई होना चाहिए। माशाल्लाह ये काफी ज्यादा बन जाता है, 2 से 3 पिज्जा हम बना सकते हैं इसमें। लास्ट पे आप पिज्जा सॉस में नमक ऐड कर दें। ओके जी, और पिज्जा सॉस इज रेडी। माशाल्लाह हमारा टिक्का भी रेडी है, डो भी रेडी है और हमारी पिज्जा की प्लेट भी रेडी है। जी हाँ, टोटली होममेड, हम घर पे आसानी से बनाना सिखाएंगे। इसके लिए कोई पिज्जा प्लेट की जरूरत नहीं, कोई ओवन की जरूरत नहीं, ग्रीस कर लेंगे हम प्लेट को। आप चाहें तो नॉन स्टिक पिज्जा प्लेट भी ले सकते हैं। अच्छा जी, मैंने आपको यहाँ पे क्लिप दिखाया कि किस तरह ये स्टिकी है, ये हाथों को बहुत ज्यादा चिपक रहा है। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आपने सबसे पहले अपने हाथों को ऑयल लगाना है। हाथों को ऑयल लगाने के बाद आम जैसे हम रोटी बनाते हैं जब उसके लिए पेड़ा बनाते हैं, वैसे ही आपने दोनों हाथों से बड़ा सा पेड़ा बनाना है और फिर लास्ट स्टेप के हमने प्लेट पे इसको फैला देना है। इस तरह आपका पिज्जा बिल्कुल राउंड शेप में बनेगा, गोलाई में बनेगा। अगर आप दूसरी तरह करते हैं, आपके हाथों पे चिपकता है, स्टिकी हो जाता है, तो फिर बिल्कुल भी आप उम्मीद न रखें कि आपका पिज्जा गोल हो जाएगा। पिज्जा डो में पिज्जा डो की स्टिकीनेस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना बहुत ज्यादा हार्ड ना बहुत ज्यादा थिन, यानी बहुत ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए। उम्मीद है कि आपको सारी रेसिपी समझ आ गई होगी क्राउन टिक्का पिज्जा की। अब ये बारी है सेकेंड सीक्रेट को रिवील
फील करने की। मैंने आपको पीछे बताया था कि आपने टिक्का के साइजेस बड़े काट लेने हैं, वो इसलिए काटने हैं कि हमने क्राउन पिज्जा के एजेस बनाने थे। सो माशाल्लाह देखें, हमने क्राउन टिक्का के एजेस बना लिए हैं। इस तरह मैंने आपको डिटेल के साथ बताया कि क्राउन टिक्का के एजेस किस तरह बनाने हैं, क्राउन टिक्का पिज्जा किस तरह बनाना है। आपने बस अब पिज्जा सॉस ऊपर लगा देना है। टोमेटो केचप अगर आपको ज्यादा पसंद है तो टोमेटो केचप भी आप ऊपर लगा दें। अगर आप पिज्जा सॉस के ऊपर केचप भी ऐड करते हैं देन यू विल फील दैट इज बेटर, आपका पिज्जा और ज्यादा यमी हो जाएगा। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो में केचप की वीडियो चाहिए कि केचप किस तरह होममेड हम बना सकते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर शेयर करें। और अगर आपको किसी भी रेसिपी में मेरी हेल्प चाहिए या आप न्यू रेसिपी कोई सीखना चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट में मुझे शेयर करें। लोडेड टिक्का पिज्जा यम। अब जरा खामोशी से टिक्का की गार्निशिंग चेक करो। टिक्का के शशके चेक करो जरा। आई लव मोज़रेला चीज़, बट आप चाहे तो डाल सकते हैं, आप चाहे तो ना डालें। ऐसे ही मेरा टिक्का पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा मज़े का है विदाउट मोज़रेला चीज़। ओके, अब मोज़रेला गार्निशिंग के शशके चेक करो ज़रा। क्राउन पिज्जा की तो बात ही अलग है, ऊपर से वो टिक्का पिज्जा हो तो इंतहा की टेस्ट का एंड है बाबा जी। एंड एज यू नो ये होममेड है, घर पे बनाया जा रहा है विदाउट ओवन। तो यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड का स्टैंड ले लिया था, नीचे नमक हमने फैला देना है कढ़ाई में और दो पत्थर बैलेंस के लिए रख लेंगे हम आगे पीछे। और अब इसके ऊपर हम पिज्जा रख देंगे। पिज्जा ना ऐसे ही नहीं रखना पिज्जा, सबसे पहले आपने कढ़ाई को अच्छी तरह गर्म करना है। जब नमक गर्म हो जाए देन हमने पिज्जा की प्लेट यहाँ रखनी है। कढ़ाई में हमने पिज्जा रख दिया, अब हमने इसको कवर अप कर देना है। ओनली फॉर 35 मिनट्स के लिए हमने पिज्जा को रख देना है, ज्यादा से ज्यादा आप 40-45 मिनट्स के लिए भी रख सकते हैं। दरमियान में इसको बिल्कुल भी चेक करने की भी जरूरत नहीं। लुक एट माई क्राउन टिक्का पिज्जा, आई लव दिस। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आई लव यू पिज्जा, आई लाइक योर टेस्ट। ऑनेस्टली इससे पहले मैंने कभी भी इतना मजे का क्राउन टिक्का पिज्जा नहीं खाया। और ऊपर से इसके जो टिक्का है वो इतना जूसी, इतना टेंडर। माइन इजी सेइंग, मैंने भी दे दो पिज्जा। ओके, तेनू भी दे देते हैं हम। मेरी वीडियो देखने के बाद तो हर कोई ही पिज्जा ही मांगेगा। माशाल्लाह पिज्जा जो बहुत जायकेदार, बहुत ही अच्छी बनी थी, ना बहुत ज्यादा सख्त थी ना बहुत ज्यादा नरम थी, बिल्कुल दरमियाना टेक्सचर था इसका। मस्ट ट्राई दिस पिज्जा एट होम और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कैसा लगा। शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली फ्रेंड्स एंड स्पेशल पर्सन। यूट्यूब पे काम करना, एडिटिंग करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ छत पे खड़े होके, दोपहर के 2 बजे हैं, जून के दिन और इतनी ज्यादा गर्मी, सूरज सर पे है। इट्स 5th डे, 5वां दिन है, मैं इसको मुसलसल एडिटिंग कर रही हूँ आप लोगों के लिए। फैमिली में बहुत ज्यादा शोर होता है जिस वजह से मुझे वॉइस ओवर करने के लिए रूफ पर आना पड़ता है। और इंशाल्लाह जितनी मैं मेहनत कर रही हूँ अल्लाह पाक मेरी मेहनत को रायगा नहीं जाने देंगे। ये सिर्फ छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट का बायस बनती हैं। सो मेरी मेहनत को रायगा मत जाने दीजिएगा। सब्सक्राइब टू माय चैनल और लाइक करना भी मत भूलिएगा। इंशाल्लाह इंस्टा का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, इंस्टा पे जरूर फॉलो करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।